हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ होममेड नाइट क्रीम जो गाजर और दही से बनेगी। इससे हमारी त्वचा सॉफ्ट हो जाएगी एंड सफल हो जाएगी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और गाजर अभी मार्केट में अवेलेबल भी है। क्योंकि आजकल कैरेट सीड्स का जो ऑयल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप ये नाइट क्रीम बनाइए और नाइट में अप्लाई करके सो जाइए। आप सुबह देखिएगा, कुछ दिनों बाद ही आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी एंड जो सर्दियों में फटफटी सी रहती है, कटी फटी सी रहती है, रूखी सूखी रहती है, वो भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। हमें एक गाजर लेनी है और दो चम्मच दही के लेने, वो भी गाढ़ी दही के। हमें इन दोनों को ग्राइंड करना है। ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये इस तरीके से ग्राइंड किया हुआ है। एक गाजर लिया है और दो चम्मच दही लिए, मैंने एक ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें छानना है। अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो आप गाढ़ा दही ले सकते हैं, मार्केट वाला ले सकते हैं, जैसा भी चाहें आप ले सकते हैं। क्योंकि पतला दही होगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। हम अब हमें इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालना है। ये आधा चम्मच मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला और एक चम्मच हमने होममेड एलोवेरा जेल लिया है जो मैं डाल रही हूँ। ये हमने डाल दिया और इसको ऐसे मिक्स कर दिया। आप ये देख सकते हैं इसकी शक्ल, और थोड़ा सा ज़्यादा फेंटेंगे तो क्रीम की शक्ल ले लेगी। आप ये देखिए इस तरीके से आप ये नाइट क्रीम बनाइए। मैंने एप्पल साइडर विनेगर घर पे ही बनाया है, जिसकी मैं आपको रेसिपी बता दूंगी कि कैसे बनता है। ये देखिए आप, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। ये देखिए, आप इसमें चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है और एलोवेरा जेल हमारी स्किन की हर प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। आप इसको ज़्यादा मात्रा में न बनाएं, थोड़ा कम मात्रा में ही बनाइए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप इसको कम मात्रा में ही बनाइए ताकि एक वीक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे तो हमने इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला है तो एक प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट वाले प्रिजर्वेटिव तो है नहीं, तो हमारी ज़्यादा चलेगी ये क्रीम। इसलिए आप इसको बनाइए और डेली नाइट में अप्लाई कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप कुछ दिनों में ही देखेंगे आपकी स्किन का जो कलर है वो फेयर होने लग जाएगा और एकदम जो भी स्किन पे प्रॉब्लम है वो सब
ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।